क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। दोस्तों आज 2 नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान का आज 11 बजे टीजर रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले 4 सालों से शाहरुख खान सिल्वर स्क्रीन से गायब थे एज ए लीड एक्टर। आखिरी बार वो 2018 में रिलीज हुई उनकी फिल्म जीरो में नजर आए थे, जो कि एकदम सुपर सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई थी। और अब शाहरुख खान पूरे 4 साल बाद पठान के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि फिल्म पठान को अगले साल 25 जनवरी को सिनेमा घरों में 4 से 5 हजार स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। और तकरीबन 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। और इसमें शाहरुख खान के साथ साथ आपको लीड रोल में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। दोस्तों शाहरुख खान की इस फिल्म पठान का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको एडवांस लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा और शायद इसी फिल्म के जरिए से बॉलीवुड की पनौती भी खत्म हो जाएगी। और आज दोस्तों इसका टीजर जो रिलीज हो चुका है, टीजर तो यार एकदम से याहू में। सबसे कमाल का तो इसमें शाहरुख खान का लुक और हेयर स्टाइल लगा। 1 मिनट 24 सेकंड का टीजर को देखकर ही लगता है कि शाहरुख खान देश के किसी मिशन पर है और जॉन अब्राहम निगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं। टीजर का बीजीएम और ग्राफिक्स तो एकदम कमाल के। अब चूंकि 25 जनवरी को रिलीज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्म है। बेसिकली देखा जाए तो इसकी स्टोरी आपको एक था टाइगर जैसी लगेगी। कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, उसमें सलमान खान रॉ एजेंट है और इसमें शाहरुख खान रॉ एजेंट के किरदार में नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म पठान रिलीज होने के बाद क्या जादू करती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि एसआरके की पठान का सामना होगा कन्नड़ के सुपरस्टार दर्शन की पैन इंडिया फिल्म क्रांति से, जो 26 जनवरी को रिलीज होगी। दोस्तों आपको फिल्म पठान का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल बनना है तो सब्सक्राइब भी कर।